हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आई साइट के बारे में बताऊंगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आपको आई साइट की जितनी भी समस्याएं होती हैं, तो उसका सोल्यूशन किस तरीके से आप अपने घर में कर सकते हैं। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। और आज का जो यूथ है वो इससे बहुत जल्दी ग्रस्त हो जाता है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो पहले, बहुत पहले डाला था, उसको बहुत सारे लोगों ने वॉच किया है। उस वीडियो के वॉच टाइम इतना ज़्यादा है कि उसे देखकर मुझे समझ में आ गया था कि भारत में बहुत बड़ी समस्या है आई साइट को लेकर। और जहाँ तक बात है कि इसके बारे में जो जानकारी है वो अगर सही तरीके से ना हो तो यूथ को कुछ समझ नहीं आता, वो गलत स्टेप उठाने लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पुरानी वाली वीडियोस भी अगर आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें बताई हैं। और समय के साथ कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो इस वीडियो में भी मैं वो पुरानी वाली बातों को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ और कुछ नया भी बताऊँगा जो कि अपडेट हो चुका है। देखो, सबसे पहले जो भी सर्विस होती है डिफेंस की, उसके अंदर आपको पूरी जो आई साइट है वो 6x6 की होनी चाहिए। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं कि आंखें आपकी बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। जितनी भी डिफेंस जॉब है, चाहे वो रेलवे में पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए, जितनी भी है डिफेंस की जॉब, उसमें आपको आई साइट बिल्कुल स्वस्थ चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका आता है आपकी रेलवे में लोको पायलट, और उसके बाद आपका स्टेशन मास्टर, उसके बाद आपका गार्ड, इन सब के लिए भी आपको आंखों आंखों की आपकी आंखें बहुत स्वस्थ होनी चाहिए। यहाँ तक कि ये मान लीजिए कि 6x6 ही आपको रखनी है अपनी आंखें, ये मत सोचिए कि कम ज़्यादा चल जाता है, कहीं नहीं, आंखें स्वस्थ होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो ग्रुप सी लेवल की जॉब होती है, ग्रुप डी लेवल की जॉब होती है, उसमें थोड़ी थोड़ा बहुत चल जाता है। तो चलने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने आंखों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, ऐसे ही चलने दो। सबसे पहले पहला स्टेप ये होगा कि अगर आप स्कूल बॉय हो, कॉलेज बॉय हो और अभी आपने ये सोचा ही नहीं है, मतलब आप अभी इनिशियल स्टेज में हो कि आपकी आंखों में कुछ लगता है कि हाँ मुझे दूर का दिख नहीं रहा है, जैसे व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, आप क्लास में बैठते हो तो आपको आंखों को बहुत कड़ाना पड़ता है, फिर आपको साफ दिखता है, कुछ इस तरीके की समस्या है। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी है वो आने वाले 2-3 साल में आप करने वाले हो, लेकिन आपकी आंखों की जो समस्या है वो अभी से आपको शुरुआती दिख रही है, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि यही एक शुरुआत है और यहीं से आपको स्टेप उठाने हैं। सबसे पहले अगर किसी को कुछ लगता है तो वो डायरेक्ट अभी के अभी ऑप्टिक्स जो चश्मे वाले होते हैं उनके पास जाइए, अपनी आई को चेक कराइए। और आई को चेक कराने पर आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना, आपको सिर्फ केवल अपनी आई साइट चेक करानी है। वो आपको डिटेल बताएगा कि आपको आपकी आंखें स्वस्थ हैं या नहीं है। अगर कमज़ोर है तो उस हिसाब का आपको अपना ऑप्टिक्स बनवाना है, यानी कि चश्मा बनवाना है, और चश्मा आपको रेगुलर पहनना है। अब आप इसमें शर्माइए मत और ये मत सोचिए कि माहौल में आपको कोई चश्मा बोलेगा या फिर बैटरी बोलेगा या फिर आपको लगेगा कि आप ज़्यादा पढ़ाकू बन गए, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं पहनते हैं तो लास्ट में जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। शुरुआती दौर में अगर आप पहनने लगेंगे तो 6 से 8 महीने या फिर 1 साल कंटिन्यू पहनने के बाद आपकी आंखें वापस अपने नेचुरल रूप में आ जाएंगी और आपको लाइफ टाइम चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा, ये शुरुआती दौर है। और उसके साथ आपको कुछ नेचुरल फूड लेने हैं, जैसे कि डेली आपको पपाया यानी पपीता खाना है, और ये जो खाना होता है इस पर भी आपको ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और एक मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी कि आप शाम को या फिर सुबह सुबह अपने छत पे जाकर फ्लैट होके लेट सकते हो, आसमान में देखना है आपको आंखों को खोलकर, और जितनी देर आप देख सकते हैं आंखों को खोलकर देखिए जब तक आपकी आंखों से पानी ना आए, ये चीज़ है। फिर आपको कैरेट भी अगर आपको मिल जाए तो कैरेट भी आपको डेली खाना है। देखो, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा पास आ जाता हूँ, कि ज़्यादा तामझाम करने वाले तो लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम का सोर्स बहुत कम होता है। तो सबसे अच्छा है पपीता, बहुत ही महंगा नहीं होता, सस्ता ही होता है। आप डेली थोड़ा सा खाइए, 200 ग्राम, 250 ग्राम इतना एवरेज में है कि आप डेली उसको खा सकें। खरीद कर आप केवल पपीता खाइए, दूध वगैरह मिले तो दूध भी पीजिए उसके साथ। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज की बात, जो कि शुरुआती तौर पर। और जो अभी जिनको जिन जो लोग ये इस प्रॉब्लम से बिल्कुल ग्रस्त हैं, जिनकी आईसेट बहुत कमज़ोर है और सरकारी नौकरी की तैयारी भी वो इनिशियल स्टेज नहीं है, वो एकदम आखिरी है कि कहीं उनका एग्जाम निकल भी जाता है, मेडिकल में फंस जाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इसमें फेलियर दिखते नज़र आ रहे हैं, मतलब लास्ट स्टेज है उनका, तो उन लोगों के लिए क्या है सिस्टम कि वो लोग भी यही करें। पहला तो वो फ्लैट होके एक्सरसाइज वाली, दूसरा पपीता खाएं डेली, और अलग अलग लोग एक आई ड्रॉप होता है ना, आई ड्रॉप जो आँख में डालते हैं, तो मैं स्पेशली एक ही आई ड्रॉप बताऊंगा,
बहुत मैंने इसके ऊपर सोचा, लगभग 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी ने मुझसे बोला भी था, लेकिन मैंने उसे प्रेफर नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता था वो सही है। लेकिन जब मैंने उसका रिजल्ट देखा, कई लोग, कई बच्चों ने उसको यूज़ किया, तो मुझे लगा कि उसके बारे में आपको बता देना चाहिए। वो है दृष्टि, जो कि पतंजलि का आई ड्रॉप है। अगर आप उसको कंटिन्यू सुबह शाम एक एक बूंद दोनों आंखों में 6 महीने या 8 महीने डालते हैं, तो देखना आपको अपनी आई साइट में बहुत 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 इंक्रीजमेंट मिलेगा। वो जो ड्रॉप है, वो ड्रॉप हर व्यक्ति, हर बच्चा यूज़ कर सकता है। हाँ, उससे जलन होती है। बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस है, यूट्यूब पे बताते हैं कि ऐसा लगता है गर्म लावा डाल दिया, पर ऐसा नहीं है। जब आप 2-3 बार डाल लोगे ना, 2-3 दिन, तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। और इतना नहीं जलता, वो जलता है लेकिन वो एक मिर्ची से कम और नॉर्मल से ज़्यादा, वो बीच की स्टेज है, इतना ही जलता है। आप उस आई ड्रॉप को लगातार 6 महीने 8 महीने यूज कीजिए और आपकी आंखों की समस्या गारंटेड 8 से 10 महीने के अंदर बिल्कुल गिर जाएगी। और अगर आप कोई भी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो है कि जब एग्जाम दोगे तो इतनी जल्दी तो मेडिकल होगा नहीं, आपका समय लगेगा। अगर आप ग्रुप डी की अभी तैयारी करो या एनटीपीसी कर रहे हो, तो टाइम तो लगना है, क्योंकि अभी एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जो भी है स्टेज आगे बढ़ेगी, तो लगभग साल 1.5 साल आपका लगेगा मेडिकल तक पहुंचने में। और तब तक आप अगर अभी से ये ड्रॉप अपने आंखों में डालते हैं और पपीता रोज खाते हैं, और वो एक्सरसाइज जो मैंने बताई है कि फ्लैट लेकर आसमान में देखना है जब तक आंखों से पानी ना आए, ये 3-4 चीजें आप रेगुलर कीजिए, आपकी आंखों की समस्या बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। और ये जो आई ड्रॉप है, ये अगर कोई 10वीं 12वीं क्लास में अभी से सोच रहा है कि उसकी आंखें समस्या दे रही है, वो भी डाल सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मुझे ये दवाई के बारे में ही बताना था कि दृष्टि का आई ड्रॉप, जो कि 20 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 20 रुपए का आता है, आप उसको अपनी आंखों में डालिए, जलेगा। पहले दिन इतना जलेगा कि लगेगा कि मैंने क्या बता दिया, या फिर आपको लगेगा कि डॉक्टर के पास जाऊँ, नहीं, थोड़ी देर जलेगा, अपने कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटे रहना है, अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करना है, मतलब किसी चीज़ को अपने पकड़ के लेट जाना है बिल्कुल एकदम टाइट करके, थोड़ा सा जलेगा, लेकिन धीरे 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 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद आंखों में जलन कम होती जाएगी। और ऐसे ही ऐसे आपको 2-3 बार एकदम लगेगा कि नहीं डालना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, आप दिल को एकदम कच्चा मतलब पकड़ के और डालिए उसको 2-3 दिन, और फिर उसके बाद आपकी, आपको आदत लग जाएगी। और डेली फिर इसको डालिए 6 से 7 महीने, देखिए आपको आंखों की समस्या आपकी जो भी है वो समाप्त हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।